तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लाल किले के हमारे सहयोगी जी ज्योति जी, बताइए ज्योति के हाथों में लाठियां आगे बढ़ते हुए जी ज्योति, ये तस्वीरें देखिए अनुराग, ये तस्वीरें क्या कहती है, मैं कई लोगों से बातचीत करूंगी जी, बताएं बताएं ये हिंसा जो है ये कैसे हो गई, ये प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण था, ये हिंसा कैसे हो गई? जी आपको पता है कि जो गवर्नमेंट बीच में मिलकर करवाती है, हम तो शुरू से लेकर अभी तक शांतिपूर्ण ही कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट ने अपने आदमी छोड़ दिए बीच में, कुछ ही किसी पर स्ट्रेंथ तो लगी नहीं ना, को पता कैसे कैसे पता चलेगा, लेकिन पता है इतना दिमाग हम रखते हैं। पीछे झंडा देख रहा हूँ, आपने झंडा भी यहाँ पे फहराया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो हम देखिए अगर हम 80% इंडिया बनाने में योगदान कर सकते हैं तो यहाँ झंडा लहराना हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। आंदोलन का रुख क्या होगा आगे? नहीं वो ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, ये जरा तस्वीरें आप देख लीजिए, अब जो आंदोलन की बात है वो क्या रुख होगा, लेकिन अभी तस्वीरें बहुत जरूरी हैं, ये तस्वीरें देखिए जरा, तस्वीरें बहुत जरूरी है, ये तस्वीरें लाल किले की प्राचीर से इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जरा मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी फटाफट से इधर आएं और यहां से तस्वीरें दिखाएं कि ये तस्वीरें दरअसल क्या कहती हैं, और ये तस्वीरें दरअसल ये बताती हैं कि हिंसक आंदोलन हो गया है, जो किसान है वो उग्र हो गए हैं। मोहित दुबे लगातार मेरे सहयोगी मौजूद हैं, हम मोहित से भी आगे बातचीत करेंगे लेकिन अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चूंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं अनुराग कि जब हम आंदोलन में होते हैं तो अपनी जान भी बचानी होती है, काम भी करना होता है। बिल्कुल यकीनन ज्योति, तो आप अपना भी ध्यान रखें, लेकिन जैसा कि न्यूज़ नेशन की कोशिश है कि कोई भी जो तस्वीर है वो बच ना सके, कोई भी खबर छूटे ना, हर तस्वीर न्यूज़ नेशन लगातार पहुंचाता रहे, ये कोशिश है हमारी, और हम लगातार निष्पक्षता के साथ संतुलित तस्वीर दिखा रहे हैं, सटीक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के, और इस वक्त लाल किले की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर हमारी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन मौजूद हैं, जो हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं, जो बता रही हैं कि किस तरीके से जो उग्रता है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है आंदोलनकारियों की, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच का जो टकराव है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। लाल किले से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर ऐसा समझा जा सकता है लाठीचार्ज की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाती है, कुछ उसी तरीके के हालात किसानों की तरफ से भी पैदा किए जाते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान घायल हुए हैं, इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, हर तस्वीर न्यूज़ नेशन लगातार अब तक पहुँचा रहा है, और देखिए लाल किले की जो तस्वीरें